उत्तर प्रदेश की हरदोई के कांग्रेस कार्यालय पर लखनऊ खंड स्नातक विधान परिषद के चुनाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि स्नातक विधानसभा परिषद सदस्य कांग्रेस प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार सिंह ने के चुनाव को लेकर जिला शहर एवं कांग्रेस कमेटी द्वारा हरदोई कांग्रेस कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई है। कांग्रेस के MLC प्रत्याशी ब्रिजेश कुमार सिंह ने कहा कि युवा भीड़ नहीं नेतृत्व है और सदन में युवाओं के हक की आवाज़ को बुलंद करने की जाएगी। उन्होंने कहा कि वित्त विहीन शिक्षकों का मानदेय सरकार द्वारा निर्धारित करवाना, बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिलाए जाने के मुद्दों पर संघर्ष होगा। इस दौरान प्रभारी हरदोई एवं प्रदेश सचिव जीत लाल सरोज, जिला अध्यक्ष आशीष समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। हरदोई से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। स्नातक चुनाव की जो तैयारी चल रही है उसमें जो हमारा एजेंडा है उसके लिए क्या कहते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। उसमें मुख्य एजेंडा हमारा ये है कि जो भी बेरोजगार स्नातक है उसे रोजगार या नौकरी मिलने तक सरकार द्वारा न्यूनतम बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि जो भी वित्तहीन शिक्षक हमारा है जो 1,000, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये पे नौकरी करने के लिए आज मजबूर है, बाध्य है, उनके लिए न्यूनतम आय निर्धारित की जाए। तीसरा मुद्दा हमारा एक प्रेरक संघ हमारा है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है इस चुनाव में, उनका 40 महीने से भुगतान बकाया है, 40 महीने से आज वो बिना भुगतान के जीवन यापन कर रहे हैं, उनका भुगतान किया जाए और उनको नियमित किया जाए। ग्राम रोजगार सेवक जो नियमितीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई लड़ना भी हमारे वचन पत्र में शामिल है। इसके अलावा बहुत से युवाओं के मुद्दे हैं जिनकी आज लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, उन सबकी लड़ाई हम लड़ने के लिए सदन में जाना चाहते हैं और इसीलिए मैं इन मुद्दों को लेकर के इस चुनाव में उतरा हूँ। अच्छा, किस तरीके की समस्याएं फील्ड में इस समय पेश आ रही है हमारे चुनाव को लेकर के? जी ठीक है, हमारे चुनाव को लेकर के तो तमाम तरह की सरकार की तरफ से समस्याएं पेश की जा रही हैं। यहाँ शुरुआत में जब हमने चुनाव लड़ना शुरू किया जितने होर्डिंग बैनर हमारे लगाए जा रहे थे सरकार द्वारा वो हटाए जा रहे थे, मैं लगवा रहा था सरकार हटवा रही थी। जब हमने फॉर्म जमाना वोटरों के फॉर्म जमा करवाने शुरू किए तो वहाँ पे दबाव बना करके फार्म भी नहीं जमा करने दिए जा रहे थे। बहुत से फार्म जो जमा किए गए वहाँ से नाम लोगों के डिस्टर्ब कर दिए गए, बहुत से नाम जो किसी इस ब्लॉक के थे उनको उठाकर दूसरे ब्लॉक में भेज दिया गया, कुछ दूसरे ब्लॉक के थे उनको उठा के कहीं भेज दिया गया जिससे कि वोटिंग ठीक से ना हो पाए, क्योंकि 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर जाए चल करके कोई वोटर वोट डालने नहीं जाता है। तो इन सारी चीज़ों की दिक्कतें हुई। अभी अध्यक्ष जी साथ में थे हमारे, क्या कहते हैं, लखनऊ में हमारा क्या नामांकन था, नामांकन में पूरा का पूरा काफिला हमारा रोक दिया गया, तितर बितर किया गया और पूरी कोशिश प्रशासन द्वारा की गई कि नामांकन ना हो पाए, किंतु हम लोग किसी न किसी माध्यम से जाकर के हमने नामांकन किया। ये सारी दिक्कतें हो रही हैं प्रशासन द्वारा क्रिएट की जा रही हैं। जी, किन प्रत्याशियों की आपने शिकायत की है चुनाव आयोग से और क्या? जी, अब किसी का नाम लेना नहीं उचित है, लेकिन मैंने प्रत्याशियों की वहाँ शिकायत जो की है और लमसम पूरा जिला जानना है, पूरा वो जानना है, यहाँ नाम लेना उचित नहीं। अच्छा, क्या शिकायत की है आपने? जो प्रलोभन दे करके कुछ कपलेट बांट करके, कापी किताब बांट करके या कुछ जिस भी तरह का रुपए पैसे बांट करके वोट खरीदने की वो की जा रही है, इसकी शिकायत मैंने की है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.